अब जिस कैरेक्टर के पास टाइम पावर्स हो, नॉट ओनली इन बेंटन यूनिवर्स, किसी अदर यूनिवर्स में भी उसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। अब जिस कैरेक्टर के पास टाइम पावर्स हैं, वो अपने अपोनेंट के लिए टाइम को स्टॉप करके उसे बड़े आराम से डिफीट कर सकता है, और वो मल्टीपल टाइम्स टाइम को रिवर्स भी कर सकता है, और कई पॉसिबल टाइम ट्रेवल्स और टाइम पावर्स भी यूज कर सकता है। बेंटन यूनिवर्स में भी टाइम पावर्स और टाइम पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स को काफी कॉम्प्लेक्स वे में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइम पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स की। नंबर 7, स्पेनर, या कहें कैंटेन या कैंटेनिसन, क्योंकि यार ये बेंटन 1000 का सन है और इसके पास एक आर्मर या कहें सूट है जिससे ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसके पास रेयरली ही टाइम ट्रेवलिंग के अलावा कोई और टाइम पावर्स हो, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल के अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ और कर सकता है। बाय द वे, ये अपनी टाइम पावर्स को काफी अच्छी तरह से यूज कर लेता है और इसके पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी हैं। तभी तो फ्यूचर के डॉक्टर एनेमो को कैप्चर करने के लिए पास्ट में अकेला ही आ गया था। नंबर 6, नालजियंस। अब देखो, नो डाउट नालजियंस बेंटन यूनिवर्स की अभी तक की मोस्ट पावरफुल स्पीसीज है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये टाइम ट्रेवल कर सकती है या नहीं। मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट पावरफुल होने के साथ ये एक मोस्ट मिस्टीरियस स्पीसीज भी है, इसलिए इसके बारे में नहीं पता है कि इसके पास टाइम पावर्स हैं या नहीं। अब लेवल 20 प्लस के टैक्स है जिनके चिल्ड्रन खेलते हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर होगी, या फिर वो उनके पास खुद ही कोई एबिलिटी या स्पेशल पावर होगी जिससे वो टाइम ट्रेवल या टाइम को मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। देखो यार, बेंटन सीरीज इतनी तो देखी है कि हम भी पता लगा सकते हैं, या हम भी सोच सकते हैं कि नालजियंस के लिए टाइम पावर्स या फिर टाइम रिलेटेड कोई भी एबिलिटी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 5, क्लॉकवर्क, जिसकी स्पीसीज है क्रोनोसेपियंस। अब भाई, इनके पास इतने पावरफुल वेपन्स होते हैं कि पूरी टाइमलाइन को ही मिटा कर रखते हैं, लेकिन ये स्पीसीज भी उतनी ही पावरफुल होती है। क्लॉकवर्क को हम एक चलता फिरता टाइम बॉक्स, टाइम मशीन या फिर टाइम रोबोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा टाइम पावर्स के अलावा कोई भी पावर नहीं है। यानी कि क्लॉकवर्क प्योरली टाइम पावर्स रिलेटेड एलियन है जिसके पास ओनली टाइम पावर्स है, और ये कुछ भी करने का पावर रखता है अगर इसे सही से यूज किया जाए तो। नंबर 4, इयोन, जो कि एक बेंटन 1000 या बेन ही था, जो कि क्रोनियंस के कंट्रोल में आकर अपना कंट्रोल खो गया और बन गया इयोन। इयोन बेंटन सीरीज के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स और विलन्स में से एक है, जिसके पास टाइम पावर्स की कोई कमी नहीं है, और अपनी टाइम पावर्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके तो ये पैराडॉक्स को भी सॉक कर देता है। इसके लिए मल्टीपल टाइमलाइन और डिफरेंट टाइमलाइन में ट्रेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उनमें छेड़छाड़ करना भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल गेट्स बिना इयोन की हेल्प के नो वॉच टाइमलाइन में बेंस को मार ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई इयोन ने ही उसकी पूरी हेल्प की थी। नंबर 3, प्रोफेसर पैराडॉक्स, जो कि इमोर्टल लाइक बीइंग है। एक साइंटिस्ट होने के बाद ये अपनी टाइम मशीन या टाइम रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, और फिर वजह बन गए प्रोफेसर पैराडॉक्स। एक बार को इयोन को डिफीट किया जा सकता है, लेकिन पैराडॉक्स को डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये वो कैरेक्टर है जिन्होंने बेन को उसके सेलेस्टियल सेपियन ट्रांसफॉर्मेशन से वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अगर पूरे बेंटन यूनिवर्स या बेंटन सीरीज में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकता है या जानता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि अपने पैराडॉक्स ही है। प्रोफेसर पैराडॉक्स बिना किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट टाइमलाइन में जा सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स बेन मिलेंगे इन्हें। फोर्ज ऑफ क्रिएशन को हाइड भी पैराडॉक्स नहीं किया है, और ये वहां तक अकेले जा भी सकती है बिना किसी गैजेट या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और बाकी तो आपने पैराडॉक्स को देखा है, तो आप पैराडॉक्स की सुप्रीमेसी का पता लगा ही सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है माल्ट्रुएंट। वैसे तो माल्ट्रुएंट भी एक क्रोनोसेपियन ही है, लेकिन एक हाई ग्रेड या हाई रैंक क्रोनोसेपियन है, क्योंकि भाई क्लॉकवर्क और अपग्रेड की फ्यूजन को डिफीट करना इसके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं रही थी। बाय द वे, वो तो बच्चे थे, लेकिन एटॉमिक एक्स तक को डिफीट करना इसके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसे भी इसने बड़े आराम से डिफीट कर दिया, वो भी बेंटन 1000 के पूरे ग्रुप के साथ। माल्ट्रुएंट पूरी बेंटन सीरीज या बेंटन यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल विलन है, जो डैगन को भी डिफीट कर सकता है। बिल्कुल सही, डैगन को भी डिफीट करने का पावर रखता है। माल्ट्रुएंट के लिए कॉन्टीमिलिया के उस प्लेस पर टाइम पावर्स यूज करना पॉसिबल होता, तो बेन इसे कभी डिफीट ही नहीं कर पाता, और मे बी इसमें केवल एक ही एलियन बेन की हेल्प कर सकता था, जो कि नंबर 1 पर आता है, वो है एलियन एक्स। बात करें एलियन एक्स की, तो इसके लिए टाइम पावर्स कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके लिए केवल बच्चों का खेल है। जो एलियन एक्स अपने थॉट से ही यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो उसके लिए टाइम पावर्स को यूज करना कौन सी बड़ी बात है। वैसे एलियन एक्स को इसकी जरूरत होगी भी नहीं, क्योंकि यार वो सामने वाले का एक्सिस्टेंस ही खत्म कर सकता है, इतनी पावर्स रखता है वो अपने पास या अपने थॉट्स के पास। तो आपको क्या लगता है, क्या इनके अलावा भी कोई टाइम पावर्स रखने वाला कैरेक्टर है जो इस वीडियो में इंट्रोड्यूस ना किया गया?
गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।